नौवा अध्याय। जिस वन में युधिष्ठर आदि सो रहे थे उससे थोड़ी ही दूर पर एक शाल वृक्ष था। उस पर हिडंबासुर बैठा हुआ था। वह बड़ा क्रूर, पराक्रमी और मांसभक्षी था। उसके शरीर का रंग एकदम काला, आंखें पीली और आकृति बड़ी भयानक थी। दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल लाल लाल थे और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत भीषण था। उस समय उसे भूख लगी थी। मनुष्य की गंध पाकर उसने पांडवों की ओर देखा और फिर अपनी बहन हिडिंबा से कहा, बहन, आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का सुयोग्य मिला है। जीभ पर बार बार पानी आ रहा है। आज मैं अपनी दाढ़ इनके शरीर में घुसा दूंगा और ताजा ताजा गर्म खून पीऊंगा। मुझे इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ, तब हम दोनों इन्हें खाएंगे। अपने भाई की आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी जल्दी पांडवों के पास जा पहुंची। उसने जाकर देखा कि कुंती और युधिष्ठर आदि सो रहे हैं, लेकिन महाबली भीमसेन जाग रहे हैं। भीमसेन के विशाल शरीर और परम सुंदर शरीर को देखकर हिडिंबा का मन बदल गया और वह सोचने लगी, इनका वर्ण श्याम है, बाहें लंबी हैं, सिंह के समान कंधे हैं और कमल से सुकुमार नेत्र हैं। रोम रोम से छवि छिटक रही है। अवश्य ही ये मेरे पति बनने योग्य हैं। मैं अपने भाई की क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूंगी, क्योंकि भाई प्रेम से बढ़कर पति प्रेम है। यदि इन्हें मारकर खाया जाए तो थोड़ी देर तक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परंतु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षों तक सुख भोग सकती हूँ। यह सोचकर हिडिंबा ने मानुषी स्त्री का रूप धारण कर लिया और धीरे धीरे भीमसेन के पास गई। दिव्य गहने और वस्त्रों से भूषित सुंदरी हिडिंबा ने कुछ संकोच के साथ मुस्कुराते हुए पूछा, हे पुरुष शिरोमणि, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? ये सोने वाले पुरुष कौन है? ये बड़ी बूढ़ी स्त्री कौन है? ये लोग इस घोर जंगल में घर की तरह निशंक होकर कैसे सो रहे हैं? इन्हें पता नहीं कि इसमें बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और हिडिंबा राक्षस तो पास में ही है और मैं उसी की बहन हूँ। आप लोगों का मांस खाने की इच्छा से ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देव तुल्य सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे शपथ पूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसी को अब अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं, जो उचित समझें करें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी और हम दोनों सुख से पर्वतों की गुफा में निवास करेंगे। मैं स्वेच्छानुसार आकाश में विचरण कर सकती हूँ। भीमसेन ने कहा, अरे राक्षसी, मेरी माँ, बड़े भाई और छोटे भाई सुख से सो रहे हैं। मैं इन्हें छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं और तेरे साथ चल दूं? भला यह कैसे हो सकता है? हिडिंबा ने कहा, आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूंगी। आप इन लोगों को जगा दीजिए, मैं राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन बोले, वाह वाह, ये भी खूब रही। मैं अपने सुख से सोए हुए भाइयों और माँ को दुरात्मा राक्षस के भय से जगा दूं? जगत का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गंधर्व मेरे सामने ठहर ही नहीं सकता। सुंदरी, तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उधर राक्षस राज हिडिंब ने सोचा कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, इसलिए उस वृक्ष से उतरकर वह पांडवों की ओर चला। उस भयंकर राक्षस को आते देखकर हिडिंबा ने भीमसेन से कहा, देखिए देखिए, वह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर ही आ रहा है। आप मेरी बात मानिए, मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ। मैं आपको और इन सब को लेकर आकाश में उड़ सकती हूँ। भीमसेन बोले, सुंदरी, तू डर मत, मेरे रहते कोई राक्षस इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने उसे मार डालूंगा। देख मेरी ये बांह और मेरी ये जांग, यह क्या कोई भी राक्षस इनसे पिस जाएगा। मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार न कर। इस तरह की बातें हो ही रही थी कि उन्हें सुनता हुआ हिडिंब वहां पर आ पहुंचा। उसने देखा कि मेरी बहन तो मनुष्यों का सा सुंदर रूप धारण करके खूब बन ठन कर और सज धज कर भीमसेन को पति बनाना चाहती है। वह क्रोध से तिलमिला उठा और बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर कहने लगा, अरे हिडिंबा,
मैं इनका मांस खाना चाहता हूँ और तू इसमें विघ्न डाल रही है। धिक्कार है, तूने हमारे कुल में कलंक लगा दिया। जिनके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, देख मैं तेरे सामने ही उन्हें अभी मार डालता हूँ। यह कहकर हिडिंब दांत पीसता हुआ अपनी बहन और पांडवों की ओर झपटा। भीमसेन ने उसे आक्रमण करते देखकर डांटते हुए कहा, ठहर जा मूर्ख, तो इन सोते हुए भाइयों को क्यों जगाना चाहता है? तेरी बहन ने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया है? हिम्मत हो तो मेरे सामने आ, मैं तेरे लिए अकेला ही काफी हूं। तू स्त्री पर हाथ ना उठा। भीमसेन ने बलपूर्वक हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसको वहां से बहुत दूर घसीट कर ले गए। इसी प्रकार एक दूसरे को कसकते मसकते तनिक और दूर चले गए और वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर गरजते हुए लड़ने लगे। उनकी गर्जना से कुंती और पांडवों की नींद खुल गई। उन लोगों ने आंख खुलते ही देखा कि सामने परम सुंदरी हिडिंबा खड़ी है। उसके रूप सौंदर्य से विस्मित होकर कुंती ने बड़ी मिठास के साथ धीरे धीरे कहा, सुंदरी तुम कौन हो? यह किस लिए और कहां से आई हो? हिडिंबा ने कहा, यह जो काला काला घोर जंगल है, यही मेरा और मेरे भाई हिडिंब का वास स्थान है। उसने मुझे तुम लोगों को मार डालने के लिए भेजा था। यहां आकर मैंने तुम्हारे परम सुंदर पुत्र को देखा और मोहित हो गई। मैंने मन ही मन उनको अपना पति मान लिया और उन्हें यहां से ले जाने की चेष्टा की, परंतु वे विचलित नहीं हुए। मुझे देर करते देख मेरा भाई स्वयं यहाँ चला आया और उसे तुम्हारे पुत्र घसीटते हुए बहुत दूर ले गए हैं। देखो इस समय वे दोनों गरजते हुए एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। हिडिंबा की यह बात सुनते ही चारों पांडव उठकर खड़े हो गए और देखा कि वे दोनों एक दूसरे को परास्त करने की अभिलाषा से भिड़े हुए हैं। भीमसेन को कुछ दबते देख कर अर्जुन ने कहा, भाई जी कोई डर नहीं, नकुल और सहदेव माँ की रक्षा करते हैं, मैं अभी इस राक्षस को मारे डालता हूँ। भीमसेन बोले, भैया अर्जुन चुपचाप खड़े रहकर देखो, घबराओ मत, मेरी बाहों के भीतर आकर यह बच नहीं सकता। अब भीमसेन ने क्रोध से जल भूनकर आंधी की तरह झपटकर उसे उठा लिया और अंतरिक्ष में 100 बार घुमाया। भीमसेन ने कहा, रे राक्षस, तू व्यर्थ के मांस से झूठ मूठ इतना हट्टा कट्टा हो गया था। तेरा लड़ना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यर्थ। जब तेरा जीवन ही व्यर्थ है, तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिए। इस प्रकार कहकर भीमसेन ने उसे जमीन पर दे मारा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अर्जुन ने भीमसेन का सत्कार करके कहा, भाई जी यहाँ से वारणावत नगर कुछ बहुत दूर नहीं है, चलिए यहाँ से जल्दी निकल चलें, कहीं दुर्योधन को हमारा पता न चल जाए। इसके बाद माता के साथ सब लोग वहां से चलने लगे। हिडिंबा राक्षसी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा या बुरा कैसा भी हो कमेंट ज़रूर कीजिए।